हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एग्जाम बी आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैक कल्चर इससे जुड़े हुए कंसेप्ट और एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक कल्चर क्या है तो इट इज द रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक ओके सो पहला क्वेश्चन है हमारा शिलैक इज बाय मेल लैक इंसेक्ट फीमेल लैक इंसेकट जुबेनाइल लैक इंसेक्ट ऑल ऑफ द्रॉलर शिलैक एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है लैक का सो यह हमें किसके थ्रू ऑप्टेन होता है या कौन इसे करेक्ट आंसर so, so, होगा वो होगा फीमेल लैक इंसेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक इंसेक्ट हैजाइप ऑफ माउथ पार्ट चुइंग टाइप रेस्पिंग टाइप सेकेंग टाइप साइफोनिंग टाइप और स्पॉन्जिंग टाइप लैक इंसेक्ट जो है उसका किस तरह का माउथ पार्ट होता है तो उसका सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है अब सबसे पहले हम जान लेते हैं लैक इंसेक्ट के बारे में सो so, लैक इंसेक्ट जो है इंडिया में जो स्पीसीज यूज होती है उसका नाम है लैसेफर लक्का या केरिया लक्का तो ये जो है वो नेटिव है एशिया की और यही इकलौती ऐसी स्पीसीज uh, है लैसेफर लक्का जो है दैट इज यूज दैट प्रोड्यूसेस रिकवरेबल लैक

कि इन ये किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं सो ये होमोप्टेरा को बिलोंग करते हैं हेमिप्टेरा को बिलोंग करते हैं जिसके अंदर होमोप्टेरा आता है और सुपर फैमिली कॉक्सीडिया को बिलोंग करते हैं एंड इनकी अपनी फैमिली जो है वो है लेसिफरे एंड जीनस हो गया लेर तो जैसे कि हमें पता है हेमिप्टेरा में मोस्टली बग्स जो होते हैं उनका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है प्लस जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस शो करता है लेकिन लैक इंसेक्ट में हमें दोनों देखने को मिलता है कंप्लीट मेटामोरफोसिस भी और इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस भी यानी कि जो मेल इंसेक्ट होते हैं उसमें आपको कंप्लीट मेटामोरफोसिस देखने को मिलता है और जो फीमेल होती है उसमें इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं नाउ हेयर वी कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट पहला स्टेज अगर हम फर्टिलाइजेशन से शुरू करें तो ये हमारा मेल लैक इंसेक्ट होता है जो कि विंग्ड होता है और फीमेल जो होती है विंगलेस so होती है। मेल लैक इंसेक्ट विंग्ड है और ये पहले फर्टिलाइज करता है फीमेल को जो कि प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रस्टेशंस ऑन द ट्विक्स ऑफ द होस्ट प्लांट तो ये दोनों इनिशियल स्टेजेस में इनके पियर्सिंग और सेकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं लेटर ऑन जब फर्टिलाइजेशन स्टेज आती है जब या बोले मोल्टिंग हो जाती है तो मेल जो है उसका अपना माउथ पार्ट डीजेनरेट कर जाता है एंड फीमेल का अपेंडेजेस जैसे कि लेग्स हो गया विंग्स हो गया ये सब डिजेनरेट कर जाता है सो शी इज सोज तो अब यहाँ पे मेल जब फर्टिलाइज करता है तो फीमेल ओवोवीवीपेसली एग प्रोड्यूस करती है इन साइड इट्स बॉडी अपने बॉडी में उसका एग प्रोडक्शन होता है और वहीं से जो एग है वो रेडी हो जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं जब इसकी एग लेइंग खत्म हो जाती है तो फीमेल का डेथ हो जाता है और जो एग है वो ओवी में प्रेजेंट रहते हैं तो so, ऑलमोस्ट सारा का सारा जो उसका बॉडी है सो so, वो अब एग से कवर रहता है अब हमें कब पता चलता है कि एग इज रेडी टू हैच जब पहली चीज जब येलो स्पॉट हमें दिखता है रियर और पोस्टीरियर एंड तो वो बताता है कि फीमेल साइज में श्रिंक कर गई है एंड एग लेइंग उसने अपना स्टार्ट कर दिया है और जब ऑरेंज स्पॉट दिखने लगता है यानी यही येलो स्पॉट जब आगे चल के ऑरेंज में बदल जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि एग इज अबाउट टू हैच विद इन अ वीक सो यहीं पे बहुत बार हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और अब जब इसकी हैचिंग होती है तो इससे बाद जो लार्वा निकलता है उन्हें क्रॉलर्स कहते हैं अब यही क्रॉलर्स जो है जब इनका इमर्जेंस होता है या इनको बोले इमर्जेंस ऑफ निम्फ होता है तो उसको स्वार्मिंग कहा जाता है देन ये अपने एक स्पॉट कवर करते हैं ट्विक्स पे जहाँ पे इनको सकलेंट या जूसी सबसे ज्यादा प्लांट से आप मिले तो वहां पे ये सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके फिर धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द रेजिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम लोग जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है इट्स सेमी सॉलिड एंड देन इट सेटेड इन टू लैक सो यही रेजिन में ये कवर्ड हो जाते हैं तो अगर हम बोले लैक इन साइड कवर्ड इट्स इट्स सेल्फ इन साइड रेज जिसको कि सेल कहा जाता है यानी यहाँ प्यूपा ना कह के उसको सेल कहते हैं मेल का जो सेल होता है थ्री मोल्टिंग के बाद मेल जो है वो एडल्ट मेल निकल के आता है सो दिस शोज कंप्लीट मेटामोरफोसिस एंड फीमेल में इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस हो जाती है आफ्टर फर्स्ट मोल्टिंग फीमेल में जो भी मेल और फीमेल दोनों में उनके सारे अपन डीजेरेट कर जाते हैं लेटर ऑन मेल में विंग एंटीना और लेग्स डेवलप हो जाते हैं बट प्रोबोसिस या बोले माउथ पार्ट डी कर जाता है सो दे आर नो लॉन्गर एबल टू सक दैप वाइल हैव द माउथ पार्ट बट देयर एंटीना विंग्स एंड लेग्स डी सो शी अंडरगोज इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस एंड देन फिर से ये साइकिल रिपीट होती है तो so, इनकी लगभग एक साइकिल सिक्स मंथ तक चलती है और उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए ये रेडी हो जाता है यानी साल भर में इनकी दो जनरेशन हो जाती है ठीक है so, ये हो गया लाइफ साइकिल नाउ विच इज अ टाइप ऑफ रंगीनी लैक अब हमसे पूछा जा रहा है रंगिनी लैक का कौन सा टाइप है सो so, ऑप्शन है बैसाखी अग्नि जेतवी कतकी या बोथ ए डी सो so, रंगिनी लैक जो है इसके टाइप होते हैं बैसाखी और कतकी यानी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड डी अब ये जान लीजिए कि इंडिया में लैक कॉमर्शियल प्रोडक्शन के जो होता है उसके दो स्ट्रेन होते हैं एक होता है रंगिनी और दूसरा होता है कुसमी ना जो सुपीरियर लैक होता है वो कुसमी स्ट्रेन से होता है और रंगीनी से थोड़ा कम अच्छा होता है लेकिन प्रोडक्शन वाइज इसका सिर्फ टेन परसेंट है और मेजरली रंगीनी लैक ही प्रोड्यूस होता है कुसमी नाम से क्लियर है कि ये कुसुम प्लांट पे इसकी मेजरली जो रियरिंग होती है So, होती है रंगनी लैक की और भी बहुत सारे होस्ट हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे सो so, रंगनी लैक के अंडर में दो क्रॉप जो होती है, जो ली जाती है साल भर में उसमें से एक है बैसाखी और दूसरी है कटकी या उसको हम लोग कह सकते हैं कार्तिकी नाउ अब आप आपको थोड़ा तो नाम से लग रहा होगा कि ये हिंदी मंच से लिए गए हैं बैसाखी जिसको कहा जा रहा है तो इसकी हार्वेस्टिंग जिस टाइम पे होती है वो इसके हिंदी मंथ में बैसाख मंथ आपका अप्रैल मई अप्रैल और मई के बीच में होता है तो इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो संबर अराउंड मई जून में होती है अगहन और जेतवी जो है ये दोनों कुसमी स्ट्रेन को बिलोंग करते हैं ये दोनों क्रॉप जो है सो कुमी स्ट्रेन को बिलोंग करते हैं एंड आपका अगहन नाम से भी और जेतवी नाम से इनका हार्वेस्टिंग क्लियर हो रहा है जेतवी जून जुलाई में होती है एंड अगहन अक्टूबर नवंबर अगर जैन फेब में होती है वही कतकी या कार्तिकी बोले तो इसका हार्वेस्टिंग आपका अक्टूबर नवंबर में होता है और अगर हम लोग इनोकुलेशन की बात करें यानी इनोकुलेशन कब होता है तो ये जनरली सिक्स मंथ प्रायर टू द दिस हार्वेस्टिंग मतलब छह महीना लगता है क्रॉप को पूरा कंप्लीट होने में तो अगर हम बोले कि कतकी का इनोकुलेशन कब हुआ या जेथवी का इनोकुलेशन कब हुआ तो इससे छह महीना पहले ले, ले लेंगे यानी कि जैन फेब में J3 का इनोकुलेशन होता है सो so, इससे आपको आगे के क्वेश्चन में भी ईजी होगा समझने में सो so, इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड डी है द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट प्लांट और ट्री फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कु लैक लैक अभी हमने पढ़ा इसके नाम से क्लियर है कि कुसुम प्लांट होता है अब हमें साइंटिफिक नेम भी याद रखना होगा कुसुम का तो so, कुसुम का साइंटिफिक नेम है श्लेषरा ओलियोसा ओके okay, अगर हम बोले कि ये ल्यूकाना ल्यूकोसेफला किसका है तो इसको हम लोग हिंदी में सुबह कहते हैं एजलम आर्मेलोज हमें पता है ये बेल का साइंटिफिक नेम है indicus, जो है वो आपका कदम कदम एक ट्री है सो तो यहाँ पे कुसुम जो होता है सो उसपे कल्टीवेट किया जाता है सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी देन विच इज द पीरियड ऑफ इनोकुलेशन ऑफ कदकी लैक अभी हमने पढ़ा कि कथकी जो है या कार्तिकी बोले सो so इसका आपका हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर के टाइम होता है सो so इसका इनोकुलेशन समेर अराउंड मई जून और जून जुलाई के इर्द गिर्द हो गया सो so यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा जून जुलाई देन देर आर टोटल डैश लाइफ साइकिल्स ऑफ लैक इंसेक्ट इन अ ईयर हमने पढ़ा एक लाइफ साइकिल लगभग सिक्स मंथ तक चलती है तो टोटल एक साल में दो लाइफ साइकिल इनकी हो जाती है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाउ लैक रेजिन इज द कंपोजिशन ऑफ आपसे पूछा गया लैक रेजिन किसका बना हुआ होता है तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो लैक होता है उसमें मेजर कंपोजिशन लैक रेजिन का ही होता है समवेयर अराउंड 68 टू 75 फाइव परसेंट लैक रेजिन ही पाया जाता है देन फिर आपका एक वैक्स हो गया और डाई हो गया लैक डाई लैक ये सब जो है सो समवेयर अराउंड फाइव परसेंट और फाइव टू सिक्स एंड दिस इज टू एंड द एलबुमिन मटीरियल विच इज ट्ल टू थर्टीन परसेंट दीज आर प्रेजेंट इन द लैक सो लैक रेजन जो है वो मेजरली आपके ऑप्शन है ईस्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैक्ट्री एसिड से पेनिक एसिड से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सो लैको का बना होता है देन द क्वेश्चन इज एलैक इज लैक ऑप्टेंट बिफोर द इमरजेंस ऑफ क्रॉलर लैक ऑप्टेंट आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉलरस ट्विस्ट विद लैक कंटेनिंग लैक्स सॉरी ट्विस्ट विद कंटेनिंग एग्स रॉ और क्रूड लैक और नन ऑफ द अव तो एरी लैक जो होता है दैट इज द लैक ऑफ टेन बिफोर द इमरजेंस ऑफ क्रॉलरस को हम लोग एरी लैक कहते हैं या इसको बोले अर्ली हार्वेस्टिंग से जो लैक हमें मिलता है बिफोर द इमरजेंस ऑफ क्रॉल क्रॉलर्स इसको दूसरी तरह से भी पूछा स, जा सकता है कि लैक ऑफ टेन बिफोर स्वर्मिंग Of of nimbo, के so से हमें मेन जितना भी होता है चाहे वो स्टिक लैक हो गया देन उसके बाद फॉलोड बाय स्टिक लैक एक्चुअली क्रूड लैक या रॉ लैक जो अपने को ट्विक से मिलता है स्क्रैपिंग करके वो स्टिक लैक हो गया देन इसके बाद जब ये प्रोसेस होता है तो इसके बाद सीड लैक हमें मिलता है जब इसकी इम्प्योरिटीज हटाई जाती है अगर उसमें इंसेक्ट बॉडी हो या जो भी इम्प्योरिटीज है प्रेजेंट क्विक्स की डेबरीज हो सो so इन सबको जब हटाया जाता है तो हमें सीड लैक मिलता है देन सीड लैक को जब मेल्ट किया जाता है इन द चारकोल फिल्म इन अ क्लोथ बैग तो उससे हमें जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं किरी लैक और किरी लैक को फर्दर जब उसको सॉलिडिफाई uh, किया जाता है इनटू टू बटन और डिस्क तो इससे हमें बटन लैक मिलता है देन ये बटन लैक प्योर लैक भी कहलाता है और इसको जब हम लोग पतले पतले शीट में uh, प्रोसेस करते हैं तो इसको शीट लैक कहा जाता है और यही शीट लैक आफ्टर डिजोल्विंग इन वॉटर वी गेट शिलैक फ्रॉम इट एंड दिस इज द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ लैक तो यही सीक्वेंस में अपना लैक का प्रोडक्शन होता है सो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शिलैक कुछ स्टिक लैक कुछ इस तरह से दिखता है रॉ फॉर्म है ये ज्यादा इसका शेल्फ लाइफ नहीं होता है एंड uh, इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है सो तो इसके खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके नेक्स्ट स्टेज में हमें सीड लैक मिलता है देन फिर अपने को फिगर वाइज देखे तो बटन लैक और उसके बाद शिलैक मिलता है सो दिस इज द कॉमर्शियल प्रोडक्ट

कहा जाए तो उसके स्किन में प्रेजेंट रहते हैं क्यूटेनियस वर्ड ही का मतलब होता है स्किन सो so, उसके पूरे स्किन में प्रेजेंट रहते हैं एक्सेप्ट फॉर द माउथ पार्ट माउथ को छोड़ के और उसके एनस एंड स्पिरिकल्स को छोड़ के वो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहते हैं जो लैग ग्लैंड होते हैं तो so, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रीजन एंड गम इज लोकेटेड एट लखनऊ रांची कोलकाता समस्तीपुर और भोपाल So of and Gums जो है में है, नामकुम एक जगह है वहां पे और ये स्टेब्लिश हुआ था 1925 में अर्लियर इसको इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते थे प्लस अगर बोला जाए कि लैक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है तो झारखंड रीजन ही में होता है एंड इंडिया सेवेंटी परसेंट अप्रोक्स लैक का प्रोडक्शन होता है ऑल्सो अभी हमारे अगर आप नबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं सो एक इंट्रो क्लास होने वाली है ऑन थर्टी फर्स्ट मे आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और आपको फ्लैट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एन ए बी फिफ्टी कोड को, uh, को यूज करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एग्री बी फॉर मोर सच अपडेट ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट थैंक यू